दोस्तों बात करने वाले टाटा पावर स्टॉक के बारे में। दोस्तों टाटा पावर कंटिन्यू फिर से यहाँ पे हमें करेक्शन में देखने को मिल रहा है। कल भी प्रेशर था, आज भी हमें यहाँ पे प्रेशर देखने को मिल रहा है। ओवरऑल देखा जाए आज स्टॉक की ओपनिंग यहाँ पे हमें दोस्तों मार्केट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए ओपनिंग स्टॉक की दोस्तों पॉजिटिव थी, बट यहाँ पे अगर मार्केट की वोलेटिलिटी को देखें तो उसको देखते हुए भाई स्टॉक ने 1% के आसपास की यहाँ पे नेगेटिव क्लोजिंग आज फिर यहाँ पे करी है। इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों अभी के टाइम जो रवि सिंह है जो मार्केट एनालिटिक्स है उनका व्यू आया है, वो बोल रहे हैं कि दोस्तों यहाँ पे खरीदना चाहिए, कौन सा लेवल बेहतर रहेगा, मतलब स्टॉक के टारगेट्स उनकी तरफ से देखने को मिल रहे हैं कि आने वाले अराउंड अप्रैल महीने तक के टारगेट क्या दिखेंगे, क्या यहाँ से दोस्तों 350 जाएगा या यहाँ से 500 जाएगा। तो ये व्यू हम आपको बताने वाले हैं, उन्होंने क्या क्या चीजें हमें बताई है, किस किस लेवल के लिए उन्होंने इंपॉर्टेंट बताया है, सारी चीजें देखेंगे। उससे पहले दोस्तों डाटा देख लेते हैं कि आज क्या चीजें नजर आई। देखो पहली चीज एक तो मार्केट, ठीक है ना, मार्केट की बात करें तो भाई मार्केट अभी के टाइम बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी में देखने को मिल रहा है। आप देखोगे एक दिन पॉजिटिव एक दिन नेगेटिव, पूरे दिन में आप देखो कितनी बार नेगेटिव जाता है कितनी बार पॉजिटिव आता है। तो हर एक मोमेंटम का हर एक जो अपडेट है ना उसका अभी के टाइम इफेक्ट पड़ रहा है। दूसरी सबसे बड़ी चीज की अगर मोटा पैसा लगाना है मार्केट में तो पहले इलेक्शन देख लो, इलेक्शन के बाद यहाँ पे आपका जो इन्वेस्टमेंट आप कर देना। बट अगर इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो अभी के टाइम दोस्तों एक अच्छा मौका भी, क्योंकि कई सारे स्टॉक डिस्काउंट में मिल रहे हैं तो अच्छे स्टॉक में पैसा आप लगा सकते हो। बट अभी के टाइम दोस्तों टोटली 50% अमाउंट के साथ एंट्री लेना है, टोटल 100% अमाउंट नहीं लगाना है, ठीक है। मेन चीज अगर बताऊं तो दोस्तों एक जो वॉल्यूम थी वो भी यहाँ पे ज्यादा नहीं है, 1 करोड़ 80 लाख के आसपास शेयर में यहाँ पे ट्रेड होते हुए देखने को मिला है। इंपॉर्टेंट चीज एमओ, तो एमओ में भी कोई बड़ी क्वांटिटी यहाँ पे बाइंग सेल में नहीं है एंड 18-19% की डिलीवरी है, तो एवरेज डिलीवरी है अभी के टाइम, कोई बड़ी डिलीवरी निकल के नहीं आ रही है एंड वॉल्यूम भी नहीं आ रही। देखो वॉल्यूम के आने का मतलब है कि बायर्स का आना, बायर्स आएंगे तब स्टॉक ऊपर जाएगा, जब स्टॉक गिरता है तब वॉल्यूम तो वैसे ही डाउन रहती है क्योंकि बड़े प्लेयर्स का डाटा नहीं होता है। एंड देखो टाटा पावर को दोस्तों भगाने के लिए चाहिए बड़ा इन्वेस्टमेंट, क्योंकि भाई इसका मार्केट कैप अराउंड 2 लाख करोड़ प्लस का है, अराउंड 2 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप कंपनी कवर कर चुकी है। देख लेते हैं कितना मार्केट कैप है, तो आप देख सकते हो अराउंड यहाँ पे जो कंपनी का मार्केट कैप है ना भाई वो देखने को मिल रहा है 1,21,000 करोड़ का, ठीक है ना, 1,21,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अभी के टाइम अंडर वैल्यूड है मार्केट के अकॉर्डिंग बता दूं, अंडर वैल्यूड है एंड यहाँ से 1-1.5 लाख करोड़ का जो भी मार्केट है कंपनी का भाई बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए भगाने के लिए। तो अगर इंट्राडे चार्ट को दोस्तों हम एक बार देख ले यहाँ पे, तो आप देखोगे कि भाई ओपनिंग अच्छी थी बट ओपनिंग के बाद अगर आप देखोगे तो एक बड़ा करेक्शन दिखा, मार्केट यहाँ पे एकदम से गिरा था, उसके बाद मार्केट तो ऊपर गया बट ये दोस्तों धीरे धीरे गया एंड यहाँ से फिर एक लेवल पे स्टॉक ने अपनी क्लोजिंग करी है। तो अभी के टाइम वोलेटिलिटी है बट यहाँ से देखो दो व्यू अभी के टाइम, एक तो शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग तो मैं पहले बता दूं कि जितना आप खरीदना चाहो खरीद लो, गिरावट मौका है क्योंकि यहाँ से दोस्तों अगर एक बार निकल गया तो अब देखो तब 200 पे मिल रहा था, लोगों को लग रहा था कि भाई ऊपर नहीं जाएगा तो वो लेवल चुक चुका है। अब 200 पर दोबारा मिलने की चांसेस बहुत कम है कि अगर टाटा पूर्व भी क्रेश हो जाए तो फिर मिल सकता है, बट इतना आसान यहाँ पे है नहीं। तो अब बात करते हो दोस्तों जो रवि सिंह है यहाँ पे जो मार्केट एनालिटिक्स उनका व्यू क्या है, वो क्या बोल। उन्होंने कहा कि टाटा पावर के स्टॉक को 410 रुपए के निकट अवधि के लक्ष्य के लिए 365 रुपए के स्तर पर खरीदने का विचार बोल रहे हैं। भाई अगर स्टॉक 365 पर मिलता है तो वहां से अपने जो टारगेट है वो कितने बनेंगे, 410 रुपए, ठीक है। एंड सिंह ने कहा कि दोस्तों स्टॉप लॉस आप 355 का मेंटेन कर सकते हो, मतलब आपका जो स्टॉप लॉस है 355 का स्टॉप लॉस लगा लो एंड अगर 365 के आसपास खरीद लो 410 रुपए के टारगेट के साथ, इनका कहना ये है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों सेबी पंजी जो सेबी पंजीकृत मितेश पांचाल ने कहा है दोस्तों कि शेयर में अगले 9 से 12 महीनों की अवधि में 400-450 रुपए का स्तर देखने की क्षमता है एंड 350 रुपए का सख्त स्टॉक का सपोर्ट लोक जो यहाँ पे सपोर्ट लेवल है वो बनेगा एंड किसी को भी इस स्टॉक को पावर स्पेस से नहीं चूकना चाहिए। अगर देखा जाए दोस्तों तो इस स्टॉक को आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो, अच्छा स्टॉक एंड विश्लेषण यहाँ पे बिजनेस टुडे की रिपोर्ट में ये बताया गया है। तो अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए अंडर वैल्यूड है जितना अगर आप अभी के टाइम देख रहे हो। दोस्तों कंपनी के पास कर्जा है बट कंपनी का अगर एसेट्स आप देखोगे भाई यहाँ पे अराउंड एसेट्स है कंपनी के पास बहुत ज्यादा, 80,000 करोड़ प्लस के कंपनी के पास एसेट्स है, 30-35 हज़ार करोड़ का कंपनी के पास यहाँ पे रिजर्व है। तो ओवरऑल देखा जाए कंपनी की वैल्यूएशन हाई है यहाँ से, तो लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट का मौका है। शॉर्ट टर्म में वर्ल्ड पावर के अंदर दोस्तों प्रेशर था, टाटा पावर भी यहाँ पे गिरेगा ही, ग्रुप को छोड़ के यहाँ पे थोड़ी ना जाएगा। अराउंड जो आरएसआई चल रहा है 48 का यहाँ पे स्टॉक का आरएसआई है एंड चार्ट को
आप चार्ट के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें ना यहाँ पे दोस्तों, तो आप देखेंगे पिछले देखो मार्केट से अगर देखा जाए कितना स्टॉक डाउन है। देखो अभी के टाइम अगर आप एवरेजन देखोगे तो 90% स्टॉक दोस्तों अपने हाई से, और कोई तो 30% गिरा है, कोई 35, कोई 40%, बट 30% से कम एक भी नहीं गिरा, खासकर पावर के शेयर यहाँ पे। इन टाटा पावर अपने यहाँ से कितना गिरा है दोस्तों, 14%, 14% नीचे भी के टाइम पे ट्रेड कर रहा है अपने बाउंड्री का से। तो कभी भी यहाँ पे दोस्तों बड़ी रैली आ सकती है, लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग मौका है भाई। इन शॉर्ट टर्म में अब जैसा कि डाटा बता दूं मैं यहाँ पे, जो मेन सपोर्ट है ना अभी के टाइम मेरे हिसाब से दोस्तों, जैसा कि रवि सिंह ने बताया, तो उसके अकॉर्डिंग अगर अपन अपन यहाँ पे देखे ना चार्ट के अकॉर्डिंग, तो 360 का मेन सपोर्ट बनेगा। आप इससे इस लेवल के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। एंड जो आरएसआई है देखिए टाइम कोई ओवरबॉट नहीं, अराउंड 48 का चल रहा है, तो आरएसआई ये दोस्तों अराउंड 40+ से पहले रिवर्सल कर जाएगा। तो वेट करें, जल्दबाजी ना करें, एंड गिरावट में ज्यादा पैनिक ना हो, ठीक है। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कर लो ताकि